जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड अंचल कार्यालय के हम लोग सीईओ के पास हैं, जहां पर नव पदस्थापित प्रियंका प्रियदर्शनी का आज यहां पर पदभार ली है। वहीं सीईओ राजेश डुंगडुंग जी का आज विदाई भी हो रही है और यहां पर बैठे हैं, मौजूद हैं वीडियो निशा कुमारी जी भी। और यूं कहिए कि दोनों बातें हैं, सुख की भी और दुख की भी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो मैम से और उनसे जानते हैं कि राजेश डुंगडुंग के साथ उनका कार्यकाल कैसा रहा और जो आई हैं प्रियंका प्रियदर्शनी, जो बिल्कुल सहेली बनकर के बेंगाबाद का विकास करें, हम तो उम्मीद यही करेंगे। आगे क्या इन लोगों का संदेश है, इन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज प्रियंका प्रियदर्शनी जी का आगमन हुआ है, प्रधान ली है और सर जा रहे हैं, उनका स्वागत है। जो नई मैम आई है उनका स्वागत है, और जो हमारे पहले के सीईओ सर रहे हैं उनसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, और एक अभिभावक के रूप में रहे हैं, और बहुत ही अच्छा गाइडेंस हमेशा मिला। मुझे भी हमेशा लगता था कि एक आधारशिला की तरह है, और जो नई मैम आई है ठीक है, वो बहुत योग्य है और बहुत समझदार भी है, और आगे मेरा मेरी तरफ से उनका स्वागत है बेंगाबाद प्रखंड में। बेहतर करे या मैडम भी चाह रही हैं और निश्चित रूप से बेहतर करेंगी और करना भी चाहिए और अपने दायित्व को पूरा भी करना चाहिए। इतने समय जो कार्यकाल में बहुत कम समय रहे हमारे सीईओ राजेश डुंगडुंग जी, उनसे जरूर बात करेंगे और चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में कैसा अनुभव रहा, आज बेंगाबाद को अलविदा कहने जा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा फीडबैक दें। जी सर, मेरे कार्यकाल के दौरान सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला जिसके तहत बहुत सारे लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला और बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ पर, और शुक्रिया अदा करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं को भी जिन्होंने मुझे सहयोग किया विभिन्न तरह से। क्या सर, बेंगाबाद का अनुभव जिस प्रकार अभी सरकार आपके द्वार में सबसे अधिक लोगों से मिलना जुलना रहा और आगे जो आप जहाँ जा रहे हैं बेहतर करें ये हम भी उम्मीद करते हैं, कैसा वहाँ परफॉर्मेंस रहेगा? क्योंकि काफी मैंने यहाँ सीखा है तो उसका फायदा जरूर मिलेगा और वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग मैं अपना काम कर सकूंगा। कहाँ जा रहे हैं सर यहाँ के बाद, कहाँ जगतपुर गोलकेरा चक्करधरपुर तो देख पा रहे हैं जो यहाँ के पूर्व सीए थे वो चक्करधरपुर को जाएंगे और ये हम लोग उनसे भी बात करेंगे कि मिलने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है यहाँ पर, लोग बधाई देने के लिए भी पहुंच रहे हैं, बीएनबी की टीम भी पहुंची है। मैम आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बेंगाबाद में आप जो पदभार लिए हैं इसके लिए भी आपको स्वागत है और बहुत बहुत आपको हार्दिक अभिनंदन है। क्या संदेश रहेगा जनता जनार्दन के लिए बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्रवासियों के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का यहाँ पर उपस्थिति देखकर आपके प्यार से मैं अभिभूत हूँ, और मेरा संदेश यही होगा बेंगाबाद वासियों के लिए कि जो भी कार्य प्रगति के पथ पे हम लोग साथ मिलकर चलेंगे और जो भी काम करेंगे नियमानुकूल यदि सम्मत करेंगे सबको लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जो अधिकतर मामले हैं, वैसे आप लोग आपका डिपार्टमेंट ही जमीन संबंधित रहता है अधिकतर, इसके अलावा और कई कार्य हैं आप लोगों के, लेकिन मुख्य मकसद जमीन का रहता है और बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में ऐसा जटिल जटिल समस्याएं हैं जमीन संबंधित जिसमें भूमाफिया भी प्रवेश कर गए हैं और लगातार जमीन का ही यहाँ लफड़ा रहता है, आपके कर्मचारियों से लोग तंग और परेशान भी रहते हैं, ऐसी स्थिति में कैसे आप निपटेंगे क्योंकि मामला जमीन संबंधित अधिक आएंगे? जटिल परिस्थितियां तो हैं लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जमीन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं सब नियम से होते हैं, तो हमारे पास जो नियमों से बंधे हुए हैं हम सब, तो उन्हीं में बंध के जो नियम कहता है वो करेंगे अच्छे से जांच पड़ताल करके, और आई होप कि मेरे कर्मचारी के बारे में अभी आपने जो कहा तो वो लोग भी सही रास्ते पे चले और सही से नियमानुकूल अपना कार्य करें, इसका मैं ध्यान अच्छे से रखूंगी। तो देख पा रहे थे प्रियंका प्रियदर्शनी जी का कहना है कि जटिल से जटिल समस्याओं को नियमानुसार उनका हल किया जाएगा और कर्मचारियों की जहां तक बात है तो उनके लिए भी निर्देश दिया जा रहा है कि वो सही मार्ग पर सही तरीके से चले, ईमानदारी पूर्वक कार्य करे और जो भी ईमानदारी पूर्वक कार्य होंगे वो कार्य प्रियंका प्रियदर्शनी जी पूरा करेंगे। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहे बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।